good morning students today we will revise the first poem the road not taken written by a well-known american poet robert frost this poem talks about the choices and their consequences एक अच्छी चॉइस करते हैं हमारी लाइफ में तो उसके कॉन्सिक्वेंस भी अच्छे ही होते हैं सो वी मस्ट ऑलवेज बी कॉशियस एंड रेशनल वाइल मेकिंग द चॉइस क्योंकि एक बार जो चॉइस कर ली जाती है इट कैन नॉट बी अल्टर उसे बदला नहीं जा सकता इसलिए हमें बहुत केयरफुली अपनी लाइफ में जो डिसीजन है उन्हें केयरफुली लेना चाहिए इन दिस पोएम द पोइट इज शेयरिंग हिज पर्सनल एक्सपीरियंस कि वंस The poet was traveling through a forest. He came to a place from where the road diverged into two different directions. It was not possible for the poet to travel by both the roads at the same time. So he had to choose one of the two. So the poet stood there and thought for a long time. One of the roads was visible to some distance. कि वह एक प्लेस पर खड़ा होकर दूर तक रोड को देखता रहा जहाँ तक वो देख सकता था इट मीन दैट द रोड हैड फ्रिक्वेंटली बीन यूज एंड द अदर रोड was overgrown with विद ग्रास कि उसने देखा कि एक रोड तो frequently यूज़ किया गया था और एक रोड पर दूसरे रोड पर ग्रास ग्रो की गई थी इट मीन्स दिस रोड हैड नॉट बीन used मच द पॉइंट डिसाइडेड टू गो बाय द second रोड अब उसने देखा कि जिस रोड पर कम ट्रैवलिंग की गई है सो द पोएट डिसाइडेड टू गो बाय द सेकेंड रोड बिकॉज दिस रोड हैड बीन लास्ट ट्रेवल्ड बाय द पीपल ही कैप्ट द फर्स्ट वन फॉर अनदर डे कि इस बात को जानता भी था कि ही विल नॉट ही विल नेवर कम बैक अगेन दिस रोड द पोइट फील्स दैट इयर्स लेटर फ्रॉम नाउ he would be telling about the decision with the sigh कि बहुत सालों बाद वो अपने decision को कि उसने कौन से road को चुना और किस लिए चुना कैसे चुना उसके बारे में वो बहुत सालों बाद बता रहा होगा it means he will look back and recall the story of his choice he would narrate how he was faced with the dilemma and how he accepted the challenge to walk down the last travelled road इट मीन्स जो इसकी चॉइस थी जो पॉइंट ने चॉइस की लेस ट्रेवल रोड पर चलने की दिस चॉइस हैड मेड ऑल द डिफ्रेंसेज इस चॉइस ने उसे सभी से क्या कर दिया अलग कर दिया अलग बना दिया कि एक बार जो चॉइस कर ली गई है उसे बदला नहीं जा सकता है क्लियर दिस नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस लिटरेरी डिवाइस ऑफ दिस पॉइंट फर्स्ट लिटरेरी डिवाइस इज एलिटरेशन Alliteration means same consonant sound at the beginning of the connected words beginning of the connected words alliteration look at the stanza second t then took the other and third line of second stanza was grassy and wanted wear w sound has been repeated in this line and next line, the though that the there the sound has been repeated in this line, so that is called alliteration. Next literary device is repetition. Repetition means when a single words or phrases, yeah, lines. हैज़ बिन रिपीटेड दैट इज़ कॉल्ड रेपिटेशन कि कोई सिंगल वर्ड है लाइन है उसे बार रिपीट किया जाता है उसे रेपिटेशन लिटरे डिवाइस कहते हैं इन लास्ट स्टेंचा एजिज सम वेयर एजिज एंड एजि हैंज एजिज हैज़ बिन रिपीटेड इन दिस लाइन वर्ड एंड टू रोड्स डाइवर्स इन अ वुड दिस लाइन ओल्सो रिपीटड इन दिस पोएम सो दैट इज़ कॉल्ड रेपिटेशन नेक्स्ट एनाफोरा anaphora literary device means a word or group of words is used when uh, a word or group of words is used when repeatedly at the beginning of the sentences Jese, first stanza and sorry and be one traveler and look down one as far as i could and word has been repeated at the beginning of a sentences so that is called anaphora नेक्स्ट ले डे डिवाइस इज मैटफर मैटफर मीज डायरेक्ट कंपेरिजन बिटवीन टू थिंग्स कि दो चीज़ों के बीच में कंपेरिजन किया जाता है विदाउट यूजिंग लाइक और एज वर्ड को यूज़ किए बिना सो टू रोड सिग्निफाई हेयर टू चॉइसिस कि उसे टू रोड्स को किसके साथ कंपेयर किया गया है टू चॉइसिस के साथ सो दैट इज कॉल्ड मैटफर क्लियर दिस आई होप यू आर गेटिंग बेटर थैंक यू